ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35। पहली वस्तु पर 18% की छूट का मान दूसरी वस्तु पर 13% की छूट के मान के बराबर है। पहली वस्तु, कोई दो वस्तुएं मान ली मैंने, ये एक नंबर वस्तु या दो नंबर वस्तु, ठीक है, ये दो मेरी क्या है आइटम्स हैं, कोई भी पहली आइटम पे मेरे को 18% की छूट मिल रही है। मार्केट प्राइस, छूट कहां पे मिलती है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस का 18% निकाला तो वो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगी। तो पहली डिस्काउंट आ गई D1, तो D1 क्या है कि मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 18/100। दूसरी डिस्काउंट पर, दूसरी वस्तु पर 13% की छूट के मान के बराबर है, ठीक है। दूसरी वस्तु, मार्केट प्राइस जो दूसरी के वस्तु का है, इसका मार्केट प्राइस कुछ और है, इसका मार्केट प्राइस कुछ और है, हमें मार्केट प्राइस दोनों का नहीं दिया हुआ, लेकिन इतना बताया है भी इसका 18% जो है वो इसका क्या है, दूसरी वस्तु के मार्केट प्राइस का कितना है 13%। तो इसके डिस्काउंट और इसके डिस्काउंट, जो इसके डिस्काउंट निकाल लेंगे और जो इसके डिस्काउंट निकाल लेंगे, जो D2 निकलेगी वो आपस में क्या बराबर है। तो मैंने पहले D1 फाइंड कर लिया, D2 फाइंड कर लिया, ठीक है, और मेरे को पता डिस्काउंट किसके ऊपर निकलती है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो इन दोनों को क्या रखा मैंने यहां पे, इक्वल रखा, बराबर रखा, क्या रखा, इक्वल। यदि दोनों को बराबर रखने जो कि हमें दिया हुआ है, तो हमने देखा मार्केट, ये चीज यहां पे वैल्यू को रख दी, ये वैल्यू यहां पे रख दी। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। तो हमने दोनों वस्तुओं की, ये पहली वस्तु का अंकित मूल्य माना था मैंने, ये दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य है, इसलिए इसको 1 कहा था, इसको 2 कहा था। तो दोनों का अनुपात बताना था, तो ये MP1 को यहीं पे रखा, MP1 मार्केट प्राइस जो 2 था उसको नीचे ले आए, 13 यहीं पे रखा और 18 को नीचे ले गए, 100 से 100 कैंसिल हो रहा था, वो नीचे हमने कैंसिल कर दिया। तो ये किन का अनुपात आ गया, ये अनुपात आ गया दोनों के मार्केट प्राइस का, अंकित मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, तो ये है 13:18, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था, ये हमारी क्लास का, पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ये देखिए, एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलने के बाद एक आदमी एक टाई भी खरीद सकता है, एक टाई भी खरीद सकता है, मतलब कि यदि उसे 30% छूट मिलती तो एक टाई खरीद सकता था, ठीक है, मतलब वो 30% उसको बच जाने थे, साथ में एक्स्ट्रा टाई भी साथ घर में लेके जा सकता था, नहीं मिलती तो वो सिर्फ उसको चीज ही मिलनी थी यदि वो 30% डिस्काउंट उसको ना देता, तो जिसका मूल्य 210 रुपये है। 210 रुपये जो मूल्य है वो किसका है, ये देखो पहले, तो जो 210 रुपये है वो किसका मूल्य है, वो मूल्य है टी शर्ट, एक टाई का, सॉरी टाई है, अभी यहाँ पे टी शर्ट नहीं है, क्या है, टाई है, एक टाई भी खरीद सकता था जिसका मूल्य, मीन्स टाई का मूल्य क्या है, 210 रुपये है। यदि टाई का मूल्य 210 रुपये है तो शर्ट के लिए आदमी ने कितना भुगतान किया, हमें पता लग गया 30% छूट की वजह से तो वो टाई ले पाया था, 30% जो जब उसको छूट मिली थी तब भी वो टाई ले पाया था ना, इसका मतलब जो 210 रुपये है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, वो है 30% की वैल्यू, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट का परसेंटेज है 30%। यदि 210 रुपये 30% की वैल्यू है, शर्ट के लिए आदमी ने कितना भुगतान किया, देखो आदमी तो 100% नहीं दिया होगा, आदमी ने 100% नहीं दिया होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि उसका अंकित मूल्य क्या था, उसका मार्केट प्राइस क्या था, या दुकानदार ने उसका मार्केट प्राइस क्या रखा था, तो आपको वैल्यू निकालनी है 100% की, निकालनी है 100% की, क्योंकि मार्केट प्राइस में ओवरऑल में 100% होता है, डिस्काउंट जो होगा देने के बाद। अब यदि आदमी शर्ट के लिए आदमी ने कितना भुगतान किया, तो शर्ट के लिए आदमी को 30% डिस्काउंट मिला, आदमी को यदि 30% डिस्काउंट मिला है, मार्केट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो 100% में वो 30% डिस्काउंट का नहीं देगा, आदमी डिस्काउंट का 30% नहीं देगा, तो आदमी कितने परसेंट देगा, 70%। तो यदि 70% देगा, 210 30% की वैल्यू है, तो 70% की वैल्यू क्या होगी, हम निकाल देंगे, तो हमारा आंसर होगा 490 रुपीज। जब इसको आप सॉल्व करोगे, 210 रुपये यदि 30% का माना, 70 का कितना परसेंट से परसेंट काटा हमने,
तीस का सात में भाग दिया 210, सात को सात से गुणा किया 490। 490 मीन्स ऑप्शन नंबर टू क्या आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको सारा करवा देखिए। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। गुरप्रीत ने क्या है, सोफा खरीदा, इसे इस पर 20% की डिस्काउंट मिली, 20% की डिस्काउंट मिली, तो 30% की छूट मिलती, मिली उसको 20% की डिस्काउंट। यदि 30% की मिलती तो 1000 रुपए को बचा पाती। अब देखिए 30% की मिली डिस्काउंट, 20% की डिस्काउंट उसको मिली है 20% की, लेकिन यदि उसको डिस्काउंट मिलती 30% की, कितने की 30% की, मींस उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलती, कितने परसेंट, 10%। यदि उसको 20 से 30 डिस्काउंट मिलती तो वो कितने रुपए बचा लेती, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए वो बचा लेती। यदि जो डिस्काउंट पहले 20% थी, डिस्काउंट को 20 से 30% कर देते हैं तो कितने रुपए का फर्क पड़ता है, 1000 का। इसका मतलब ये जो बड़े हुए रुपए हैं, ये बड़ी हुई परसेंटेज के क्या इक्वल है, मींस 10% जो है 1000 के बराबर है। ठीक है, उसने सोफे के लिए कितने मूल्य में खरीदा, उसने जो सोफा खरीदा वो कितने मूल्य में खरीदा, मींस यहां पे हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालना है दुकानदार का सेलिंग प्राइस। जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा वो गुरप्रीत का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे आ गया जी, एक्चुअल में यहाँ पे विक्रय मूल्य ही है, क्योंकि मैंने बोला जो डिस्काउंट है वो कौन देगा, वो दुकानदार देगा जो चीज बेच रहा है ना। तो यदि आपसे गुरप्रीत ने के लिए सोफे का क्रय मूल्य पूछा है तो दुकानदार का तो विक्रय मूल्य होगा, मीन्स जो गुरप्रीत है, हमें पता लग गया जो 1000 रुपए है, 1000 ऊपर रखा और 1000 कितने परसेंट की वैल्यू है, 10% की। यदि 1000 छूट है और 1000 10% की वैल्यू है, अब हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, जितने परसेंट गुरप्रीत पे करेगी सोफे के लिए। तो गुरप्रीत 100% मार्केट प्राइस, 100% मीन्स कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे 100%, तो 100% यदि कुल प्राइस था उसमें से 30% की छूट मिली है या 20% की छूट मिली है, मतलब हमें पता लग गया अभी, ना तो हम 20% निकालेंगे ना 30% निकालेंगे, हमें ये पता लगा कि उसको छूट मिली कितनी है। आपने 30 नहीं लेना, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन है, गुरप्रीत दुकान पर गई, उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली, यही छूट लेनी है आपने, जो उसको मिली है, जो छूट उसको मिली है। आगे कंडीशन है, कंडीशन बताई हुई है, कंडीशन क्या है, यदि यदि उसे 30% की छूट मिलती तो हमारे पास 20% की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास 30% की वैल्यू नहीं थी। फिर हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने देखा 20% की मिलती, लेकिन यदि उसको 30 की मिलती, मेरी 20 की है, तो उसको 1000 रुपए वो बचा पाती। इसका मतलब इनका डिफरेंस तो बचेगा, जो मैंने आपको यहां पे समझाया, जो इधर 20 से 30 हुआ तो इधर कितना बड़ा, रुपये में कितना बड़ा है, रुपये में 1000। यदि परसेंटेज में 10 है तो रुपयों में कितना, 1000। तो 1000 की वैल्यू 10% है। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो गुरप्रीत ने कितने प्राइस पे किया, उसको 80% दे दिया, 20% जो है उसको छूट मिली है, 100% अपने आप में मार्केट प्राइस की वैल्यू खुद होती है। तो हमने कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, हमने निकालनी है 80% की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करना क्या आ जाएगा, इसका आपके पास सोफे का क्रय मूल्य आ जाएगा जितना गुरप्रीत देगी, 80 को 7 3 0 तो लगानी है, तो इतने रुपए क्या होगा, 80,000 जो रुपए, 8,000 सॉरी 8,000 जो रुपए हैं, 8,000 रुपए जो है वो पे करेगी कौन, गुरप्रीत। यदि पूछा होता कि दुकान वाले ने, दुकानदार वाले ने उसका मार्केट प्राइस क्या रखा, उसका अंकित मूल्य क्या रखा था जिसके ऊपर उसने 20% की डिस्काउंट दी है, तो फिर हम यहां पर कितने परसेंट की वैल्यू निकालते, 100% की, कितने की, 100% की, क्योंकि हमसे क्या पूछा हुआ था, अंकित मूल्य, दुकानदार का विक्रय मूल्य पूछा हमसे। यदि गुरप्रीत का क्रय मूल्य पूछा तो दुकानदार का क्या पूछा, विक्रय मूल्य, 100 रुपए किया, दुकानदार 80% में बेच रहा है, जो कि 80% में वो खरीद रही है कौन, गुरप्रीत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से क्या है? एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ
मतलब यदि मैं किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचूंगा तो मेरे को लाभ होगा, ठीक है, बोला गया लाभ होगा। उससे 452 रुपए में बेचने पर हुई हानि, यदि 452 की बेचता हूं तो क्या होती है, मेरे को हानि होती है। और वो लाभ और वो हानि रुपयों में आपस में क्या है, बराबर है, रुपयों में आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या बताना है, मैंने बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या। अब पहले तो ये बताएं इसमें जो मेन चीज है वो देखिए आप, ये 524 क्या लग रहा है आपको, 524 क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपके पास है 524, 524 पर बेचा उसने और उसको हुआ प्रॉफिट, ठीक। उससे 452 रुपए में बेचने पर, ये भी बेचने पर है, ये भी क्या आपके पास, ये भी विक्रय मूल्य, लेकिन यहां पे विक्रय मूल्य बदल क्यों गया, चीज वही है, वहां पे यदि आपके पास 524 है और यहां पे 452 मीन्स कंडीशनल केस है, कंडीशन दी हुई है भी यदि कोई पर्सन किसी को 524, कोई पर्सन किसी चीज को 524 रुपए में बेचता तो उसे लाभ होता, यहां पर क्या होता, प्रॉफिट होता। यदि वही पर्सन उसी चीज को 452 में बेचता तो उसको क्या होता है, लॉस होगा। मीन्स यहां पे उसको क्या हो रहा है, यहां पे उसको हो रहा है प्रॉफिट, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है लॉस। और एक बात और उन्होंने बता दी हमें, कौन सी, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है, जितने रुपए प्रॉफिट हुआ है उतने रुपए ही लॉस हुआ है। तो आप बताएं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, एक बार फिर समझा देता हूं, एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर जो लाभ अर्जित होता है 452 रुपीस में बेचने पर हानि होती है, और दोनों के हैं बराबर। मेन क्वेश्चन ये है यहां पे, जो दोनों बराबर है, जितने रुपए प्रॉफिट हुआ है उतने रुपए क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है। यदि वो इतने की बेचता, यदि वो इतने की बेचता जितना प्रॉफिट होना था, यदि वो इतने की बेचता उतना ही उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड सीखिए क्या है, यदि ये कंडीशन बन रही हो तो आपने क्या करना होता है, आपने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे, मीन्स दोनों की क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस मेरा बीच में पड़ा होगा कहीं ना कहीं, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इससे क्या होगा, इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, इससे छोटा होगा और इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इससे छोटा होगा, क्यों इससे छोटा होगा, क्योंकि इस पे बेचने पे उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जितना इससे छोटा होगा उतना ही इससे बड़ा होगा, उतना ही इससे बड़ा क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, बराबर है। अभी डिटेल में आपको समझाता हूं, पहले आपको इसके लिए एक चीज का तरीका बताता हूं, भी दोनों को ऐड कीजिए और 2 से भाग कीजिए। तो यहां पे 524 है और यहां पर कितना है, 452 है। 524 में 452 ऐड करता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 2 में 4 जोड़ा कितना आया, 6 आया, 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 4 में 5 जोड़ा 9 आया, ठीक है, और 2 से भाग करो। तो इसको जब हमने 2 पे काटा तो 2 के पारे में ये कटा 4 नंबर पे, एक बच्चा 17, 8 नंबर पे एक बच्चा 16, 8 नंबर पे, तो 488 जो रुपए हैं वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा क्रय मूल्य। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा 488, ऑप्शन नंबर 2, 488। अब ये हुआ कैसे है वो भी देखिए। अब हमें पता है कि ये जो 524 है, सम आंसर आ गया, लेकिन आप क्या एग्जाम में जाके भूल जाते हो भी क्या था, शॉर्टकट्स जो है वो याद नहीं रहते, भूल भी जाओ तो मैंने बताया है भी ये कुछ इतना खास नहीं किया, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया और हमारा जो क्रय मूल्य वो निकल गया। चेक कर लेते हैं, चलो पहले देखो चेक करते हैं। यदि मैं 488 को यहां पे रखूं, ठीक है, और मैंने देखा यदि 488 मेरा क्रय मूल्य है जो कि बीच में है, क्रय मूल्य है, तो ये और ये
इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो क्या प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर रुपए है क्या। आठ में से चार देखो इधर या तो सीपी है ना, या सीपी है और या प्रॉफिट है, यहां पर भी सीपी और लॉस है। तो जब मैंने देखा 524 में से 488 माइनस करता हूं 12 24 36 तो कितने का प्रॉफिट आता है यहां पे 36 रुपए का। कितने का डिफरेंस है 36 का, मतलब 488 की कोई चीज 36 रुपए प्रॉफिट पे 524 के बेचेगा। तो क्या यहां भी डिफरेंस 36 का होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोला गया है कि दोनों क्या है बराबर है, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। मींस यदि यहां पे उसको 36 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे 36 रुपए का लॉस होना चाहिए। तो चेक कीजिए 8 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 6, 8 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा 3, तो यहां पर भी लॉस कितना है 36 और यहां पे प्रॉफिट कितना है 36। मींस 36 दोनों में क्या है सेम बन रहा है, इससे जितना बड़ा होगा उससे उतना ही ये छोटा होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 488, दोनों को जोड़ के आपने 2 से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक। और इसी क्वेश्चन में हमसे क्रय मूल्य ना पूछकर, क्रय मूल्य ना पूछकर क्या पूछा होता, क्रय मूल्य ना पूछकर हमसे लाभ या हानि पूछी होती। देखो तीन क्वेश्चन बन गए अब इसके, इसी टाइप के तीन क्वेश्चन आगे और बन गए, तो एक क्वेश्चन को कभी एक मत समझा करो। मेरी आदत है जो बाकी साथ वाले क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी साथ में करवा देता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पे क्रय मूल्य ना होता लाभ होता, फिर उसको कितना लाभ हुआ 524 रुपए में बेचा, फिर उसको उसी को 452 रुपए में बेचा, जितने का लाभ हुआ उतने की हानि हुई, दोनों बराबर है तो क्रय मूल्य क्या है हमने निकाल लिया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। मीन्स बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी एवरेज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं एवरेज। तो आप एवरेज निकाल देना आपका आंसर आ जाएगा। अब यदि हमसे 488 ना पूछकर हमसे यहां पर लाभ या हानि पूछी होती, देखो लाभ या हानि दोनों है तो बराबर, ठीक है, चाहे लाभ पूछा होता चाहे हानि पूछी होती, है ना, तो लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो लाभ और हानि के लिए क्या करते इन दोनों का क्या ले लेते डिफरेंस ले लेते हम, क्या डिफरेंस, और डिफरेंस लेने के बाद 2 पे डिवाइड करते तो वो हमारा क्या जाता लाभ या हानि। 554 में से आप माइनस करो 452, तो 524 में से 452 जाएगा, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या 72 आएगा क्या। 4 में से 2 माइनस किए 2 आए, 12 में से 5 माइनस किए 7 है, डिफरेंस कितने का आया 72 का। यदि 72 का डिफरेंस है और 72 का 2 में भाग दोगे मींस इसकी एवरेज निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 36। ये इसका सेकंड आंसर होता यदि पूछा जाता तो, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है पेपरों में या लाभ या हानि पूछा जाता है या क्या पूछा जाता है कॉस्ट प्राइस, दोनों को समान मूल्य पे बेचने पर, लाभ या हानि समान होने पर। अब ये देखते हैं यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपए बेचने में हानि होती है, उतना ही लाभ, बस ये चीज को ध्यान से देखिए, उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपए में बेचने पर से हानि होती है। लाभ और हानि दोनों बराबर है रुपयों में, परसेंटेज में नहीं रुपयों में, लाभ हानि रुपयों में दोनों बराबर है। तो इसको थोड़ा सा बेसिकली करके भी दिखा देता हूं कंसेप्ट क्या है इसमें। मेरे को पता है 425 रुपए में बेचा है ना, यदि मैंने 425 रुपए में उसको बेचा, विक्रय मूल्य मेरा 425, तो विक्रय मूल्य 425 बेचने पर लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस में दो चीजें होती हैं। सेलिंग प्राइस में कौन कौन सी चीज होती है, सेलिंग प्राइस में एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, और यदि प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा होगा, क्या आ गया होगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। और कॉस्ट प्राइस में यदि प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 425, ठीक। अब एक सेलिंग प्राइस और है हमारे पास, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या है सेलिंग प्राइस है, मीन्स दोनों सेलिंग प्राइस है। दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है, दूसरा सेलिंग प्राइस है 355, दूसरा सेलिंग प्राइस 355, दूसरा सेलिंग प्राइस यदि 355 रहा होगा, 355 दूसरा सेलिंग प्राइस यदि 355 रहा होगा तो इसमें भी दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, कॉस्ट प्राइस
और प्रॉफिट, लेकिन ये कहां बेचा है, लॉस पे बेचा है। यदि ये लॉस पे बेचा है तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो खरीद मूल्य होता है उसमें से लॉस क्या करते हैं, घटाते हैं। खरीद मूल्य में से हानि घटाएंगे तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य। कोई चीज मैं खरीद के लाया हूं, मेरे को हानि हुई है तो मैं हानि घटानी पड़ेगी, घटाने के बाद हम बेचेंगे तभी हमें लॉस होगा, ठीक है। तो सीपी में से लॉस घटाया तो ये आ गया मेरे पास 355, ठीक है। तो दोनों का सीपी तो सेम रहा होगा ना, क्रय मूल्य तो सेम रहा होगा, क्रय मूल्य में प्रॉफिट हो गया तो इसी की वजह से क्या हो गया, एसपी 425 हो गया, क्रय मूल्य में से लॉस हो गया और क्या हो गया 355 हो गया। अब देखिए ये दोनों चीजें आपस में क्या इक्वल है, ठीक है, दोनों चीजें आपस में इक्वल है। उसको मैं इसके नीचे लिखता हूं, सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस माइनस लॉस इक्वल टू 355, ठीक। तो हमने देखा कि प्रॉफिट है लॉस ये दोनों वैल्यूज तो आपस में बराबर है, तो वैल्यूज बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या बराबर है, और एक प्लस का एक माइनस का, पी और एल रुपयों में आपस में बराबर है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, सीपी इधर भी है सीपी इधर भी है, तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितने टाइम्स हो गया, टू टाइम्स। तो टू टाइम्स जो सीपी है वो मेरे पास आया, मैंने जोड़ा है, जोड़ा तो सारे जोड़ते हैं, साइन चेंज नहीं करने, ठीक है। 400 और 3 700, 700 और 70 770 780 बन गया आपके पास, कितना माना 780, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है। तो आपको समझा रहा हूं दो से भाग क्यों देते हैं, ठीक है। अब सीपी निकालना तो क्या कर दो से भाग कर दो, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो दो से क्या कर दो भाग कर दो, 780 का दो में भाग जाएगा, 700 का आधा 350, 80 का आधा 40, 350 और 40 390, दो के बारे में 7 तीन नंबर पे, 6 आया 18, दो के बारे में 9 नंबर पे 0 आया, तो 390 आपका क्या होगा आंसर होगा, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने जोड़ के आधा किया था, जो जोड़ के मैंने आधा किया था उसके पीछे लॉजिक यही था। ये सारा आपको समझा दिया, ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये बना कैसे है? बना ये बिल्कुल बेसिक से ही है, बार बार हमें इस ये करने के बजाय हम थोड़ा सा यही याद रख लें कि जब दोनों सेम हो, एक पे लाभ हो रहा हो एक पे हानि हो रही हो, तो दोनों को जोड़ के टू से डिवाइड, मीन्स दोनों का मीन निकाल देना है, एवरेज निकाल देना है। और यदि आप दोनों को माइनस करके, दोनों को माइनस करके टू से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि दोनों बराबर है, या प्रॉफिट या लॉस दोनों निकल जाएंगे जो आपसे पूछा हो। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% हो। ये वाली टाइप हम कल करेंगे, ठीक है, ये टाइप आपको कल करवाऊंगा, बड़ी ही अच्छी टाइप और बहुत आसान से ट्रिक बताऊंगा इसमें, वो आप लगाना, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी सारी, और आप देखोगे आपका आंसर 5 to 10 seconds में आपका आंसर आ जाएगा। इसके और भी काफी क्वेश्चन करेंगे, कल हम यही वाली टाइप करेंगे, लाभ भी हो, देखो इसमें क्या क्या आ गया, देखिए अब सारा कुछ मिक्स होके आएगा आपको, अब तक जो हमने कर लिया ठीक है ना, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अंकित मूल्य भी आ गया आपके पास, यहाँ पे मार्केट प्राइस भी आ गया, मार्केट प्राइस मीन्स अंकित मूल्य, यहाँ पे डिस्काउंट भी आ गई, ठीक है, यहाँ पे लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस भी आ गया, और यहां पर आपका लाभ प्रतिशत मीन्स प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी आ गया। तो कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें मैं आपको इन सारों के बारे में, क्योंकि अब आपसे सवाल जो है बिल्कुल घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, आप यदि निकालना चाहो निकाल सकते हो, नहीं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, इसका आंसर 30 आएगा, ठीक, सीधा दिखाई दे रहा है, करेंगे कैसे इसको थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको, ये सीधी बात अब समझ नहीं आएगी, ठीक। तो इसको कैसे करने का तरीका क्या है, अंकित मूल्य यदि 40 है
अंकित मूल्य चाहिए, इसे निकालना क्या हमें लागत मूल्य मीन क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य निकालना 20% का प्रॉफिट हुआ है तो क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हुआ 20%, 20% का मतलब 120% चाहिए उसको, यदि क्रय मूल्य 100 है तो क्या चाहिए 120% चाहिए, 120 जोड़ा और 10% डिस्काउंट दे रहा है, मीन्स डिस्काउंट नीचे माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अंकित मूल्य 40। तो इस 40 का इस 120 में भाग देंगे 30, 30 का 90 में भाग दिया 30, उधर बचा था 1, 30 की 1 में गुना हुई, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 30 रुपीज, 30 रुपये क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। ये किया क्या मैंने, ये आपको कल पूरी इसका पहले बेसिक बताऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है, उसके बाद इस जैसे लाभ वाले हैं जिसमें चारों चीजें आ रखी हूँ, ऐसे 5-7 क्वेश्चन करेंगे और आपकी ये टाइप जो है, और पेपरों में बहुत ज्यादा टाइप ये वाली आती है, ठीक, ये टाइप भी कल करेंगे, ये देखेंगे आसान सा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के बीच 7:5 है, अनुपात दे दिया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच, लाभ और हानि प्रतिशत। अब यदि आपको अनुपात दिया हो, इसका मतलब क्या होता है इस अनुपात का, कि ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है जो पहले बोला हुआ है, पहले मीन्स विक्रय मूल्य मीन्स ये आपका सेलिंग प्राइस, और ये 5 जो है वो आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, तो बस आप ये 7 सेलिंग प्राइस है, 5 कॉस्ट प्राइस है, और बताना क्या लाभ हुआ कि हानि हुआ, देख लीजिए लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसको 2 रुपये का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 2 रुपये का, 7 रुपये की चीज, 5 रुपये की चीज लाया 7 रुपये के बीच, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है 5 पे होगा कि 7 पे होगा, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला है कि आप कंफ्यूज मत होना। मार्केट प्राइस पे क्या डिस्काउंट, मार्केट प्राइस पे काउंट होता है डिस्काउंट, और जो 2 रुपये का प्रॉफिट है वो किसके ऊपर काउंट होगा क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य क्या है आपका 5, तो 2-5 का कितने प्रतिशत, बस यही बताना था आपने, 2-5 का 40% है, कितने प्रतिशत है 40%, 40% का क्या होगा उसको लाभ होगा ऑप्शन नंबर ए। और देख लेते हैं आसान आसान से क्वेश्चन, ये भी आसान है देख लीजिए, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं, यदि 400 रुपये में 100 संतरे खरीदे और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, उन्हीं संतरों को 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत पता करें। तो क्या था इसमें कि क्रय मूल्य हमें 100 संतरे था, और थोड़ा सा जो इसमें देखने वाली बात है वो यही है कि आप पूरे की वैल्यू ना निकालें, यदि आप कहें कि 400 रुपये में 100 संतरे उसने खरीदे हैं, है ना, आप एक की वैल्यू निकाल लें, एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लें, 100 संतरे 400 के, तो एक संतरा कितने का, 400 के 100 संतरे, तो एक संतरा कितने का, मीन्स जितने हमें यहाँ पे रुपए दिए होते हैं, रुपयों को यदि आप क्वांटिटी से बात करोगे, मात्रा से बात करोगे, तो आपके पास आएगा क्रय मूल्य, और कितने का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य, 400 रुपये लग गए, 100 संतरे मैंने खरीदे तो 400 का 100 में भाग दिया, मीन्स एक संतरा कितने का पड़ा 4 रुपये का, एक संतरा यदि 4 रुपये का हुआ जो खरीदा मैंने, सीपी कितना आया एक संतरे का 4 रुपये, 400 रुपये 100 संतरे, तो एक संतरा कितने का 4 रुपये का, ठीक है। अब बेचने वाले उसे वो दर्जन में दे रखे हैं, वहां पे संतरे डिजिट में थे, है ना, नंबर्स में थे, 100 था 100, यहां पे है दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12, एक दर्जन में कितने पीस होते हैं 12, और 60 रुपये के 12 पीस बेचे हैं, 60 रुपये के यदि उसने 12 पीस बेचे हैं तो एक पीस उसने कितने का बेचा 5 रुपये का, यहां पे क्या है एक पीस निकालने, एक की वैल्यू निकालने से हमारा आंसर आसानी से आएगा, आप दूसरे तरीके से भी जाएगा लेकिन ये आसान है, आप करो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, मीन वन क्वांटिटी की वैल्यू निकालो, पूरी क्वांटिटी कितनी थी, पूरी क्वांटिटी से क्या किया बात किया पूरे रुपीस को, तो एक का मूल्य आता है, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने ली 60 और 12, एक डजन में होते हैं 12, तो 60 का 12 में भाग दे, मैंने 60 ही देख लिया कितने की 12 के बेचे, मीन्स एक 5 का बेचा, फिर आप 100 का 60 में जाओगे ना, तो 12 से आप 100 पे नहीं जा पाओगे कि 100 कितने के बेचे हैं, ठीक है। तो देखा उसने 5 रुपये का एक बेचा, 4 रुपये का एक खरीदा, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, किसके पीछे हुआ है 4 के पीछे हुआ है, मल्टीप्लाई
25 किया तो हमारे पास 100 किया तो हमारे पास 25 आ गया 25% का लाभ। एक और सवाल देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कल की क्लास में चलेंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य भी तो कर चुके हैं ना, है ना। अच्छा, लाभ और विक्रय मूल्य के बीच बात पूछा है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है 7:3 7:3। यदि कोई चीज 7 रुपए में बेची जाती है तो वो खरीदी कितने में जाती है? 3 रुपए में। इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 3 रुपए में खरीद के 7 रुपए में बेची जाती है तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट होता है 4 रुपए का। प्रॉफिट क्यों निकाला है? क्योंकि आगे कहा हुआ है उसको 4 रुपए का लाभ हुआ। हमने बताना है लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात। तो लाभ यदि 4 है और विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ कितना है? 7 है। तो विक्रय मूल्य मीन्स प्रॉफिट और रेशो पूछिए किसकी? प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस यहां से पता लगा 7 है और लाभ यहां से पता लगा हमें माइनस करके क्या है? 4 है। तो क्या अनुपात होगा? 4:7। आसान सा क्वेश्चन है, 4:7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। अब नेक्स्ट टाइप्स हार्ड होती जाएंगी, जैसे वो मैंने टाइप्स आपको दिखा दी आज, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी टाइप्स आएंगी वो देखिए, देखते हैं तो हम अगली क्लासेस में करेंगे। ये टाइप आएगी 25%, देखो छूट भी आ गई वहां पे, डिस्काउंट भी आ गया, लाभ भी आ गया, अंकित मूल्य भी आ गया और क्रय मूल्य भी आ गया। जब चारों आ जाएंगे तो ये कल काफी सम करवाऊंगा इसके अगली क्लास में, ठीक है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है? डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य है। तो इनका क्या रिलेशन होता है? अंकित मूल्य, डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस और लाभ, ठीक। तो कल हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और हम क्वेश्चन करेंगे ये वाले, 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के सेलिंग। तो इन टाइप्स में बच्चों को काफी प्रॉब्लम रहती है, तो कल की क्लास अच्छी तरह से लगाना, देखना, ठीक है। उसमें काफी हाई लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे धुआंधार ही आएंगे, ठीक है। अब लेवल हार्ड होता जाएगा और यहां से क्या होगा, बच्चे इसके बाद कहते हैं जी क्वेश्चन टफ है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बिल्कुल आपका जो आंसर है 5-7-10 सेकंड में आएगा यदि आपको बात समझ में आ गई तो, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए जितनी आप कर सकते हो, सारा कुछ बेस्ड है प्रैक्टिस पे। जितनी आप, यदि आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के मार्केट प्राइस वाले डिस्काउंट वाले क्वेश्चन मिला के 150-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो ना, तो इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, ठीक। और आप प्रीवियस ईयर के देखना पेपर, उसमें हर एक पेपर में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसके, क्योंकि एक टॉपिक नहीं है, इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। इसमें टाइप्स बहुत ज्यादा बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें मार्केट प्राइस भी आ जाता है, सेलिंग प्राइस भी आ जाता है, कॉस्ट प्राइस भी आ जाता है, डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिक्स होकर जब आते हैं तो इसलिए इसकी वेटेज जो होती है एग्जाम में ज्यादा होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।